सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार बताएं कि ऑडियो वीडियो क्या सब कुछ क्लियर है आप लोग को? मैं दिख रहा हूं क्या आप मुझे दिख पा रहे? इज एवरीथिंग फाइन? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार कंफर्म करें सबसे पहले। गुड इवनिंग अनिरुद्ध देसाई, गुड इवनिंग। सब कुछ क्लियर है तो चलिए। आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आज एग्जाम है, काफी बच्चों का एनआरएल का बार का एग्जाम है, तो इस वजह से काफी लोग अपीयर नहीं है आज के पे उसमें, इट मे बी कि सेशन में ना आ पाए। तो ठीक है, चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने लोग हैं आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फिनिश करेंगे, कल से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फिनिश करेंगे। कुछ बच्चों को लास्ट टाइम कुछ डाउट्स भी थे, तो उन डाउट्स को भी दूर करना है और एक बार मैक्सिमम मिनिमम का देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट जो लोग भी कभी कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग। और जिस किसी ने मुझे अभी तक फॉलो ना किया हो वो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 इयर्स, मल्टीपल टाइम्स मैंने ग्रेड क्रैक किया है एंड दीज आर माय सब्जेक्ट्स। एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, राइट नाउ हम लोग यहां से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और अभी तक का एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैंने ज्वाइन किया था, देन आफ्टर मैं आपके साथ हूं, और मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार मैं अभी तक दे चुका हूं। ठीक है, चलिए, दिस इज माय कोड, इन केस इफ यू वांट टू रिमेंबर, ये कोड आप याद रखिए, कहीं पे भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। वेदर पेड कोर्सेज हो या फ्री कोर्सेज हो, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी की अगर बात करें तो अनअकैडमी आपको दो टाइप के पेड कोर्सेज देता है, एक आपके पास है आइकॉनिक, दूसरा आपके पास है प्लस। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग दोनों ही लैंग्वेजेस में, और आपको मिलते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, एक स्टडी प्लानर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, जो आपको बहुत जरूरी रहता है, डेली डाउट आने पे कौन बताएगा। तो यस, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, तो ये सारा का सारा आपका जस्ट रहता है आइकॉनिक में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर आइकॉनिक कोर्स। अगर इसमें जस्ट मैं बात करूं तो व्हेन यू विल यूज द कोड त्यागी 100, आप त्यागी 100 यूज करेंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस जो भी करंट रनिंग ऑफर चल रहे होंगे वो ऑफर आपको मिलेंगे, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। और प्लस मेरी जो भी मेंटोरशिप की आपको नीड रहती है वो मेंटोरशिप आपके साथ रहेगी। नो डाउट कोई भी टीचर पूरा तो नहीं पढ़ाता, टीचर का मतलब जस्ट होता है कि आपको जस्ट कोड लगाने का मतलब जस्ट आपको कौन कितना गाइडेंस देता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गाइडेंस आपको कितना मिल रहा है। अनअकैडमी की फीस जो है वो हाइक होने वाली है, तो अगर आपका प्लान है लेने का तो आप ले सकते हैं। अनअकैडमी आस्क अ डाउट सेशन में जस्ट अगर मैं बात करूं तो ये अनअकैडमी का जब आप लर्नर्स ऐप पे आओगे तो वहां पर आस्क अ डाउट आपके पास ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन मार्क करके आता है, आप यहाँ पे जस्ट अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। हाई क्वालिटी वीडियो रेजोल्यूशन आपको नो डाउट मिल जाता है, एग्जैक्ट मैचेस मिल जाते हैं, कभी भी इंस्टेंट आपको आंसर मिलते हैं। ये स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं जिनमें आपको नो डाउट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स मिलता है, रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है, कभी क्लास मिस ना हो नोटिफिकेशन मिलती है, लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास को कहीं भी कभी भी आप वॉच कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द बैचेस विच स्टार्टिंग। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा को मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा लेके गया था, तो मैंने आपको समझाया था कि मैक्सिमम मिनिमा की अगर बात करें तो सर मैक्सिमम मिनिमा बेसिकली कहां से हमारा फंडा आया, हमने बोला कि कोई भी फंक्शन है सर, अगर उस फंक्शन में बेंडिंग आ रही है तो मेरा मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट वहां पर लगेगा। अगर कोई सिंगल फंक्शन है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो उसके केस में हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं। तो हमने जब आगे देखना शुरू किया था तो हमने इन जनरल कोई इस टाइप से आपके सामने फंक्शन रखा था, आपने देखा भी था और सर मुझे थोड़ा बहुत समझ में भी आया था, समझ में मैंने जब समझाने की कोशिश भी आपको की थी कुछ इस टाइप से इसको दिखा था, मैंने बोला था कि पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव तो मतलब मैक्सिमा, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव तो आपके पास
मिनिमा। फिर मैंने यहां से बोला था कि ऐसा करने से बेहतर है कि आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जा रहा है तो मतलब आपका मैक्सिमा है, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जा रहा है तो मतलब आपका मिनिमा है। दैट्स इट, ऐसे हमने निकालने की कोशिश की थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए आज आज लोग कम रहेंगे, आज आज और कल दो दिन पेपर हैं बच्चों के, तो वो लोग पेपर देना है, तो बाकी जो लोग भी हैं वो ध्यान से देखें कि हाँ कहीं कहीं पे हमें कुछ कुछ डाउट्स आए थे। मैंने यहाँ पे आपको ये ग्राफ्स वगैरह सारे समझाए थे, कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी मैंने आपको समझाया था। ग्लोबल का मतलब जो सब में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल जस्ट बोलूं, मैंने बोला था कि लेट सपोज एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, और एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें मतलब थोड़े से लोअर लेवल के लोग रहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे ये सारे अमीर लोग हैं, इन अमीर में सबसे ज्यादा अमीर कौन है और इन गरीब में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, मतलब इनका जो अमीर होगा वो भी इससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। तो ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब जो सारे मैक्सिमा में मैक्सिमा हो, और ग्लोबल मिनिमा का मतलब जो सारे मिनिमा में मिनिमा हो, ठीक है। तो इस पे आपका क्वेश्चन जनरली जो हम निकालते हैं वो ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा हमसे पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने जैसा आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, आपको एक टेबल बनानी है, और इस टेबल के थ्रू आपको जस्ट देखना रहेगा कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है मिनिमा दे रहा है। बेटर रहेगा कि आप इसको डिफरेंशिएट करके एफ डेस एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके इसके पॉइंट्स निकाल लें, 1, 2, 3 जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन से पॉइंट्स थे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल रहे थे, उन पॉइंट्स पे सर हम सारी की सारी वैल्यूज निकाल लें। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप अगर पॉइंट्स निकाल लें तो पॉइंट्स पे आप चेक कर लें कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। आज हम कुछ इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस टाइप से हमने बेटा यहां से जस्ट लिया भी था, और फिर लास्ट वाला कुछ क्वेश्चन था मेरे ख्याल से जिसपे हमें डाउट हुआ था, और हमने बोला था कि सर नहीं वो वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें फीलिंग नहीं आई है। तो चलिए वो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से था। क्वेश्चन याद लाइए, लास्ट में एक क्वेश्चन था, fx = sin x / x था क्या? अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं इसके बारे में, तो fx = आपके पास sin x / x था क्या? एक फंक्शन था, हमने यहां से बोला था कि सर मेरे पास एक फंक्शन है, दैट इज fx = sin x / x। अच्छा, अगर मैं sin x डिवाइडेड बाई x की बात करूं, तो मैंने बोला था कि सर इसका अगर मैं ग्राफ यहां से देखना चाहूं तो सर मुझे ग्राफ इसका कैसा दिखेगा? मैंने बोला कुछ नहीं, ग्राफ इसका हमें कुछ इस टाइप से ऐसे दिखेगा, ऐसे कुछ इस टाइप से ग्राफ दिखेगा, करेक्ट, ऐसे ग्राफ की जैसे हम लोग यहां से बात कर रहे थे। एवेपोरेटर का सेकेंड लेक्चर कल हो चुका है, ठीक है, एवेपोरेटर का सेकेंड लेक्चर बच्चे कल हो चुका है, यू कैन वॉच दैट लेक्चर, है ना, कल लेक्चर हो चुका है। अब यहां से जरा बात कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन जो था ना, ये कहीं ना कहीं से एक डाउटफुल केस दे गया, मुझे नहीं समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना होगा इसमें। तो मैंने बोला था कि देखो सबसे पहला काम आपके पास यही है, सबसे पहला काम यही है कि आप यहां से क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे। आपने एफ डेस एक्स निकाला था क्या? एफ डेस एक्स यहां से सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहां से डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से कितना आ जा रहा था, एक्स स्क्वायर आ जा रहा था, करेक्ट। हमने यहां से जस्ट माइनस आया था यहां पे माइनस, और मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिला था वो एक्स इज इक्वल टू 10x मिला था, करेक्ट। देखते जाना जरा यहां पे, यहां तक हमने किया था क्या, यही वाला था हमारे पास। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैंने अगर एक्स इज इक्वल टू 10x की बात की, यहां पर मुझे थोड़ा सा जस्ट डाउट हुआ कि सर ऐसा कौन सा पॉइंट जहां पे ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैंने बोला ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। मैंने यहां से जस्ट बोला कि सर ये जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, और अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो सर हमारा यहां पे ये वाला जो पॉइंट है वो तो ये आ रहा है, ये यहां पर अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो अनडिफाइंड होने की वजह से हमने यहां से साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस आ रहा है। हाँ आकाश, बस इसी पे बात कर रहे हैं। अब बात आ रही है कि सर इस पे तो हमने लिमिट की बात की थी, एग्जैक्ट 0 पे तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो हम मैक्सिमा और मिनिमा क्यों निकाल रहे हैं? सर इस पे तो मैक्सिमा मिनिमा की हम लोग कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जनरली जो हमारे पास इश्यू आया था वो यही आया था कि सर इस पे मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात ही नहीं करेंगे। हमने इसमें चार ऑप्शन आपको दिए थे, नंबर 1 हमारे पास आया था मैक्सिमा, नंबर 2 हमारे पास आया था मिनिमा, और नंबर 3 हमारे पास आया था अनडिफाइंड। अरे वाह, हो ही नहीं रहा,
अनडिफाइंड। और एक और पॉइंट कोई आया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया था क्या हमारे पास? यस। तो हमने यहां से बोला एक और आया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहां से जस्ट आपको क्या लग रहा है कि यहां से अगर मैं इस ऑप्शन का चेक करना शुरू करूं तो क्या आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं तो कौन सा आंसर आना चाहिए? fx is equal to sin x by x, मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। fx is equal to sin x by x का आपको क्या लगता है कि सर इसमें आंसर क्या आना चाहिए? इसका मैक्सिमा आया था या यहां से अनडिफाइंड आया था? मैक्सिमा आया था या अनडिफाइंड आया था? विच ऑप्शन वॉज करेक्ट? उस दिन जो हमने चेक किया था वो मैक्सिमा आया था या अनडिफाइंड आया था? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आया था अगर आप थे यहां पे। मैक्सिमा आया था या अनडिफाइंड आया था? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू चेक। थर्ड आया था, अनडिफाइंड आया था, मैक्सिमा आया था। ओके, सबने अलग अलग आंसर दिया है, मेरे ख्याल से मैक्सिमा आया था। देखो अब जरा यहां से देख लेते हैं सर क्या है। अच्छा, डाउट है क्या इसमें? अगर इस क्वेश्चन की जस्ट बात करें तो इसमें डाउट है क्या? मैक्सिमा में कोई डाउट है? अगर हम यहां से जस्ट बोले कि सर इसमें मैक्सिमा है तो इसके मैक्सिमा में कोई डाउट है क्या? और अगर डाउट है तो सर उस डाउट को दूर कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक डाउट है सर हमें इसमें कि क्या होगा, तो पहले उस डाउट को दूर कर लेते हैं, बाकी काम हम लोग बाद में करते हैं। मेरी बात सुनना जरा, जब भी आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, क्या कहीं पे भी मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसने बोला है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए या नहीं डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड होना चाहिए, या किसी ने कहीं पे लिखा है कहीं पे? एक्चुअल में हम लोग जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि सर अगर मैं जैसे बात करूं कि सर मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के लिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के लिए यह चीज बहुत जरूरी है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। यही चीज तो पढ़ी है ना, लिमिट शुड एग्जिस्ट, तभी हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। करेक्ट, मैक्सिमा कैसे आया इसी पे बात कर रहे हैं। करेक्ट, फिर हमने बोला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, साथ में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो। तो अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल होता है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और फंक्शन भी डिफाइंड है। ये चीज तो पढ़ते हैं ना। हाँ, सीएससी का भी चलता है, बार बार मत लिखो, ठीक है, अब सीएससी का भी चलता है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास डाउट वाला केस था वो ये कि सर इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा और फंक्शन भी आपका एग्जिस्ट करेगा। ये चीज हमने पढ़ रखी है, ये चीज हमने पढ़ रखी है, लेकिन इशू केवल इतना है कि सर क्या मैक्सिमा मिनिमा में यह चीज लगानी चाहिए? नहीं। ध्यान रखना, आपने जहां पे भी आधी अधूरी जो ज्ञान है उसको अगर कहीं पे ले रखा है तो उस ज्ञान को ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी लिखा है कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान रखना फॉर मैक्सिमा मिनिमा, अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा में अगर कहीं पे भी आपसे पूछ लेता है कि क्या मेरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए या फंक्शन डिफाइंड नहीं होना चाहिए, आपको कुछ लेना देना नहीं है। एफ डेस एक्स कैन बी डिफाइंड, एफ डेक्स एक्स मे नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, एफ डेस एक्स आपका ऐसे लिख सकता है मे बी डिफाइंड, और एफ डेस एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं मे नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, ये आपका डिफाइंड हो भी सकता है और एफ डेस एक्स आपका डिफाइंड हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एफ डेस एक्स नॉट डिफाइंड का मतलब डिफरेंशियबल, आपका यहां से डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियबल हो भी सकता है, डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता है। अब आप यहां से बोलोगे सर ये क्या है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी? इसका एक एग्जांपल चाहिए क्या आपको? इसका एक एग्जांपल चाहिए? आपने यहां से जस्ट बोला कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें फंक्शन चाहिए, फंक्शन आपका डिफाइंड, यहां से एफ डेस एक्स जो है वो डिफाइन हो भी सकता है, एफ डेस एक्स डिफाइन नहीं भी हो सकता, सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या इसका कोई एग्जाम्पल आपको चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे इसके एग्जाम्पल की जरूरत है, तो मैं आपको दिखाता हूं।
ठीक है, अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो सर ये हमारी दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे बस एक चीज बता देना, आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का मिनिमा कहां पे लाई करेगा, मॉड ऑफ एक्स का मिनिमा कहां पे लाई करेगा। जरा देखो ना क्वेश्चन को यार ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं ताकि आपकी चीजें जो है वो गड़बड़ ना हो, ऐसा ना हो कि नहीं सर हमें मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर बाद में आप कर रहे हैं मिस्टेक और मिस्टेक होते होते बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए। मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की बात करूं तो सर जीरो पे होगा। अब मॉड ऑफ एक्स को जरा ध्यान से देखो, आप यहां से मॉड ऑफ एक्स को क्या यहां से ऐसे खींचते हो, क्या एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एफ डेस एक्स जो है वो क्या यहां से एग्जिस्ट करता है, क्या एफ डेस एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता है बच्चे? मॉड ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बच्चे, आप कंफ्यूज मत हो, है ना, आप सीएससी के हो फिर तो आपको मुझे ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी, आपको ज्यादा आना चाहिए सब, ठीक है ना। जल्दी से मुझे बताइए क्या एफ डेस एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा? अरे नहीं करेगा, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है सर, ध्यान रखिए कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर हम मॉड ऑफ एक्स की बात करें तो हमने बोला कि ये सर कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये चीज हमें बिल्कुल एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि सर कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और अगर नॉट डिफरेंशिएबल है लेकिन सर मिनिमा तो मिल रहा है, यस मैंने यही तो बोला कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर मुझसे कहीं पे भी बात कर दे तो ये नोट आपको बस ध्यान आना चाहिए कि सर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर हम यहां से जस्ट बात करें मैक्सिमा एंड मिनिमा तो मैं यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगा सर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉट नेसेसरली, ठीक है, यहां से जस्ट ध्यान से लिख लीजिएगा ये नॉट नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी पॉइंट्स नहीं है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। पॉइंट ये क्लियर हुआ या नहीं? मैं जो यहां से पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मैं यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की बात करूं, और इसीलिए हमने यहां से जस्ट बोला कि सर अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो मुझे जो ग्राफ है वो क्लियरली यहां से दिखना चाहिए कि सर ग्राफ मेरा यहां से ऐसे 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 और ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे और ऐसे ऐसे चला जाएगा। यहां पे सर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यहां से डिफाइंड नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हां हमें पता है कि यहां पे स्लोप कैसा मिल रहा है पॉजिटिव और यहां पे स्लोप कैसा मिल रहा है नेगेटिव, बस इतना ही याद रखना था आपको, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना था। पॉइंट क्लियर है बच्चे? पॉइंट क्लियर है क्या? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मुझे जस्ट एक बार बता दीजिए, अगर आपको क्लियर है तो ओके है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे जो भी फंक्शन मिल जाए, डिफरेंशिएबल है या नहीं फर्क नहीं पड़ रहा, कॉन्टिन्यूस है या नहीं फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोलोगे अच्छा ऐसा है तो सर कैसा ही फंक्शन ले सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल, आप चाहो तो ऐसा फंक्शन ले सकते हो, आप चाहो तो यहां पर ये लीजिए, ये यहां बबल दिखा देता हूं, ये बबल दिखा सकते, ठीक है। अब आप यहां से इस फंक्शन की जस्ट बात करेंगे तो आप क्लियरली समझेंगे कि हां सर ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ओके, यहां से ये है मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए मेरे बच्चे, समझ गए, क्लियर। तो बस हमें इतना ही चीजें समझनी थी, कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो सर हमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी कंडीशन। एक और क्वेश्चन था, प्रीतम मिश्रा का कहना है कि रिपीट करें बच्चे, क्या मेहता, प्रीतम मेहता का कहना है कि सर रिपीट करें, क्या रिपीट करें, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां से आएगा भाई इधर? अच्छा वो मैं का उनको समझा रहा हूं या हमको समझा रहा हूं, ठीक है जतिन तिवारी। तो बच्चे ये वाला पॉइंट आपको बस क्लियर होना, बहुत छोटा सा पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था और दैट इज ओके, बस
ये एक पॉइंट था। एक और क्वेश्चन था जो हमको परेशान किया था, जिसको मैंने यहां से बोला था सर fx is equal to, अगर हम यहां से देख लें तो एक हमें यहां से मिला था x cube, करेक्ट। आ जाते हैं इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट्स पे, बहुत देर हो गई सर, इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है ना। अब मुझे यहां से जस्ट बताइए, चलो fx is equal to x cube छोड़ो, मैं और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, x टू द पावर 5 ले लेता हूं, है ना, x टू द पावर 5 ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं। मैंने बोला कि सर मैं यहां से f डैश x निकालूंगा, मैं यहां से f डैश x निकालूंगा और ये मेरे पास आएगा 5x टू द पावर 4, f मैं डबल डैश x निकालूंगा, मैं x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूं ना, x इज इक्वल टू बच्चे 0 पे चेक कर रहा हूं, अगर मैं f डबल डैश x निकालूंगा तो ये आ जाएगा 20x क्यूब, और मैं अगर यहां से देखूं तो f डैश x मुझे पता है, f डैश x एट x इज इक्वल टू 0 पे ये कितना आ रहा है बच्चे, 0 आ रहा है। सिमिलरली f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 पे आपका ये भी कितना आ रहा है, 0। आपने यहां से जस्ट बोला कि जैसे ही ये 0 आ गया मैं सर कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जैसे ही 0 आ जाएगा आप समझ जाओगे सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब अभी मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, अभी मुझे क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना, अभी नहीं बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने बोला कि अब मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। आप बोलोगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या, अब दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, बहुत आराम से समझना। हमने यहां से जस्ट बोला कि सर मैं इसका ट्रिपल डैश एक्स निकालता हूं, मैं यहां से ट्रिपल डैश एक्स निकालता हूं, जब हमने ट्रिपल डैश एक्स निकाला तो मेरे पास ये 60x स्क्वायर आया, और ये भी बेटा हमारे पास यहां से f ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें यहां से 0 मिला। हमने बोला कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिर से एक बार और करिए, यहां से 4 टाइम्स ऑफ द x हमने यहां से लिया तो 120x मिला, और ये बेटा हमारे पास f ऑफ 4 टाइम्स x हमें यहां से मिल गया, इट इज इक्वल टू 0, और यहां से हमने जस्ट बोला सर ये भी 0 है, तो f हमने यहां से 5th टाइम x निकाला और ये हमारे पास यहां से 120, विच इज अगेन पॉजिटिव। ज्यादा लेट नहीं, ज्यादा लेट नहीं, बस एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं बस को बता गया हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो मेरी बात सुनना, मैं आपको यहां से जो पॉइंट बताने वाला हूं ना वो f टू दी पावर nx का बताने वाला हूं, सीधा f टू दी पावर nx। अब आप यहां से बोलोगे सर f टू दी पावर nx का क्या मतलब है, बस मुझे ये चीज बता दो। देखो सुनो, हमने बोला कि मैं कोई सा भी एक पॉइंट निकाल लो, कोई सा भी एक पॉइंट निकाल लो, मेरा मन है सर मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। आपने बोला हां सर आप ही का तो मन है। मैं यहां से जस्ट बेटा क्या कह रहा हूं, f टू दी पावर nx निकाल लेते, f टू दी पावर nx निकाल लेते, ठीक है। अब मैंने यहां से जस्ट बोला कि अगर मेरा n जो है वो इवन आ जाता है, f टू दी पावर n में अगर मेरा n इवन आ जाता, बहुत ध्यान से देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर मेरा n इवन आ जाता है तो मैंने बोला कि सर f टू दी पावर n और जो भी वैल्यू रखोगे अगर वो लेस देन 0 आया तो आपकी वैल्यू आपका यहां से मैक्सिमम मिलेगा, अगर वो ग्रेटर देन जस्ट वैसे जैसे आपका डबल डेरिवेटिव था, जैसे डबल डेरिवेटिव था इवन है ना, वो भी इवन की बात कर रहा है, तो आपका यहां से कितना आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। एक और पॉइंट सर, हमने बोला कि अगर n हमारा ऑड आ गया तो क्या है, अगर n ऑड आ गया तो आपने यहां से बोला कि f टू दी पावर n टाइम्स ऑफ a अगर लेस देन 0 आ गया तो आप यहां से बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा कैसा होगा सर, ये डिक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 आ रहा, लेस देन 0 आ रहा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर f टू दी पावर n टाइम्स ऑफ a आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा बट इंक्रीजिंग आएगा। समझ गए क्या, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि कैसे सर, कैसे क्या बात, मैंने बोला क्वेश्चन से बताऊंगा आपको, जब जब कभी यहां से कोई पॉलिनोमियल मिलता है या कोई सा भी फंक्शन मिल जाए, आप यहां से f डबल डैश x निकाल देंगे, ट्रिपल डैश x, फोर, यहां से जस्ट 5 टाइम्स x, 6 टाइम्स x, 7 टाइम्स x, व्हाटएवर जो भी है, जो भी है आप यहां से निकालते गए, जो भी आपने निकाला और अगर वो वैल्यू यहां से इक्वल टू 0 आती गई या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते गए तब तक जब तक नॉन जीरो वैल्यू नहीं आई, और वो नॉन जीरो वैल्यू आपका ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा, तो अगर ऑड आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, और अगर इवन आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना मिलकर आपको मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू मिलेगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है जो मैंने अभी समझाई है? उस दिन एक्स क्यूब पे जब हम बात कर रहे थे तो मैं अभी एक्स क्यूब का क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। मैंने बोला कि सर मेरे पास क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था fx is equal to x cube, right? तो हमने यहां से क्या किया था, f'x निकाला था, जब हमने f'x निकाला था तो हमारे पास मिला था 3x square,
फिर हमने यहां से बोला था एफ डैश एक्स को जीरो कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल गया, ओके। फिर हमने यहां से एफ डबल डैश एक्स निकाला था और एफ डबल डैश एक्स को बेटा हमने यहां से जस्ट बोला कि ये हमारे पास कितना आया, सिक्स एक्स आया था, ठीक है। और फिर हमने यहां से जस्ट देखा था तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास कितना आया था एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, सर जीरो आ गया था, तो मैंने क्या किया एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला था और ये हमारे पास सिक्स आया। मेरे बच्चे आप ध्यान से देखोगे एफ एन आ रहा है, एन जो है वो बच्चा ऑड आ रहा है और ऑड आपका यहां से लेस देन जीरो आ रहा है, अरे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये देखो ऑफ एड ऑड आ रहा है और ऑड आपका यहां से ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, आपने बक वाह ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमने यहां से बोला कि सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और वो भी कैसा होगा, वो भी इंक्रीजिंग होगा, वो भी कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा। आपने बोला कि नहीं सर मुझे ग्राफ से समझाओ, उस दिन आपने ग्राफ से बताया था, आज तो आप डायरेक्टली बता रहे, आप तो डायरेक्टली बता रहे, मैंने बोला ये लो आप यहां से देखोगे, आप यहां से क्यूब एक्स का ये देखते हो, यहां से देखो तो आपको यहां पे एक्स इज इक्वल टू जीरो दिखता है, जब आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चले जाते हैं तो यहां पे ना इंक्रीजिंग दिखता है ना डिक्रीजिंग दिखता है। अब आप कैसे करोगे, आपको ना मैक्सिमा दिख रहा है ना मिनिमा दिख रहा है, ये वैल्यू आपकी यहां पे ना मैक्सिमा ना मिनिमा, तो आप यहां से बोलेंगे सर दिस इज नाइदर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा किस पे सर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, इसी को बोलते हैं सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या हम इसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्चर, ठीक है, या हम यहां से जस्ट नाम देते हैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्चर। अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्चर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर हमको समझ में आया, और यहां से सर हमें पता इंक्रीजिंग क्या है, अरे देखो ना ये ग्राफ यार एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ही तो जा रहा है, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, खत्म। बस ये दो क्वेश्चन थे जो उस दिन मैंने बोला था कि मैं आगे आके डिस्कस करूंगा, आप थोड़ा सा इस पर सर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना। एक्चुअल में कहना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बुक्स में पढ़ते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं से मिस्टेक, कोई बुक में कुछ और लिखा, कोई कुछ में और लिखा, ये एफ एक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। तो एफ एक्स के बारे में ध्यान रखना, वो डिफाइंड हो अनडिफाइंड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल एफ डैश एक्स से लेना देना है, करेक्ट, मुझे केवल एफ डैश एक्स से लेना देना है, तो मैं जस्ट यहां से एफ एक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं केवल प्लस माइनस चेक करूंगा। अभी पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अभी सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप कि मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। साइन एक्स बाई अगेन, एक और बच्चे का फिर से क्वेश्चन आया है कि साइन एक्स बाई एक्स को अगेन एक्सप्लेन कर दो, ऐसा है क्या कि साइन एक्स बाई एक्स को दोबारा एक्सप्लेन करना है, ये वही सीएस वाले बच्चे हैं क्या, हाँ ये सीएस वाले बच्चे हैं जो शुरू में जब मैं पढ़ा रहा था उसी टाइम पे, तब सीएस है क्या, सीएस है क्या, सीएस है, अभी फिर से जस्ट बोल बात कर रहे हैं कि सर साइन एक्स बाई एक्स को एक बार और बता देते तो फिर से काम हो जाता, तो बट ठीक है आप एक बार बैक करके देख लेना, हो गया सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना सीएस वाले बंधु। अब मेरी बात सुनो, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं और अगला क्वेश्चन मुझे यहां से जस्ट बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2x³ - 9x² + 12x + 30। आप मुझे यहां से बस इतना बता दीजिए कि सर ये 0.2 में क्या कांड कर रहा होगा, 0.2 में इसका मैक्सिमा कहां मिलेगा और मिनिमा कहां मिलेगा, चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाँ सीएसई मुझे पता था वो सीएसई, 0 और 2 में आपका मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा मुझे जल्दी से बताएं, मैंने क्वेश्चन सामने लिख दिया आपके, कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं उसके बाद डबल डेरिवेटिव वाला और बता देता हूं और उसके बाद आपका ये मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है बताइए कहां मैक्सिमा मिलेगा कहां मिनिमा मिलेगा,
नहीं, सीएस में दोनों आते हैं, जीरो पे मैक्सिमम और टू पे मिनिमम, जीरो पे मैक्सिमम और टू पे मिनिमम, ऐसा बता दिया है रोहित अविनाश ने। क्या ये सही है, जीरो पे मैक्सिमम और टू पे मिनिमम क्या सही है? क्या सही है? देखो यहां से बेटा, हम अगर यहां से जस्ट जीरो और टू की जस्ट बात करें तो मुझे पता होना चाहिए कि सर क्या है। एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले, 3x यहां से कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ जाएगा 18x, प्लस आपके पास आ जाएगा 12, करेक्ट। मैक्सिमा एट 1, मिनिमा एट 0। तो बच्चे अगर हम यहां से जस्ट देखें तो मैं 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, मैं एक काम कर लेता हूं, 6 ले लेता हूं कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा, ये 6 हट गया, इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस यहां से प्लस x प्लस 2 कुछ इस टाइप से, एक मिनट, इसको जस्ट हमें यहां से ब्रेक करना है तो माइनस 2x और माइनस x लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये x यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 और x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और यहां से आ जाएगा x माइनस 2, करेक्ट है क्या? अच्छा, मैंने बोला कि x इज इक्वल टू, सर हमारे पास 1, 2 दो पॉइंट मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, 2 सर हमारे पास दो पॉइंट मिल रहे हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, x इज इक्वल टू सर 1, 2, जीरो पे हमारा क्या है, जीरो पे अगर हम वैल्यू डालेंगे तो डायरेक्टली कितना मिल रहा है सर, 30 मिल रहा है। f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे तो एट x इज इक्वल टू जीरो पे सर हमें ये 30 मिल रहा है, करेक्ट। f ऑफ 1 पे चेक करिए जरा, यहां से f ऑफ 1 पे और चेक कर लीजिए और f ऑफ 2 पे और चेक कर लीजिए, बस खत्म। f ऑफ 1 पे और यहां से मैक्सिमम एट 1 मिनिमम एट 0, मैक्सिमम एट 1 यहां से बता रहे हैं, तो 2 माइनस 9 प्लस 12, यहां से जस्ट देखो 12 माइनस 9 कितना आया बेटा, 3, और यहां से आ जाएगा 31। एफ ऑफ 1 पे कितना आ रहा, 31, एफ ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 0 से 2 के बीच में जस्ट बात की है, मैक्सिमम एट 1 ओके, चलो जल्दी से बताओ बच्चे मुझे, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये सर 1 और 2 है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1 और 2 है, जल्दी से बताएं, जल्दी से, जल्दी से, एफ ऑफ 2 पे बताएं, एफ ऑफ 2 पे 0 आ रहा है क्या, 36 24, और ये यहां से कितना हो जाएगा, 8 16, हाँ ठीक, गुड इवनिंग सर, 35 at 1, दैट इज ओके, 35 at 1 बता रहे, मुझे 2 पे बताइए, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, तो मतलब इस पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है क्या, मुझे इस पे मैक्सिमम मिल रहा है क्या, ओके चलिए, इस पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है क्या, एफ टू पे 36 आ रहा है, एफ टू पे 34 आ रहा है, ओके चलो चलो चलो, तो सर हमें यहां से 2 पे मैक्सिमम मिल रहा है, 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है और 0 पे 30 मिल रहा है, 0 पे मिनिमम मिल रहा है, दैट्स इट, फिनिश। एक मिनट रुकिएगा, माइक हट गया मेरा, है ना, एक मिनट रुकिएगा, माइक हट गया, नहीं तो फिर अभी बोलोगे थोड़ी देर में, आवाज नहीं आ रही सर, आप पता नहीं कहां बोल रहे हो सर, तो जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग यहां से जस्ट आगे की बातों को ध्यान देते हैं थोड़ा सा।
कहां गया पेन? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस अरे यार ये क्या है, अच्छा ऐसे चलना है, इधर से देखिए, हाँ चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास एक और है, इस क्वेश्चन को जरा बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर ग्राफिकली देखना होता तो कैसे करते, ग्राफिकली देखना होता तो हम कैसे करते सर, हम यहां से ऐसे खींचते, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है 30 है, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू 30 है, 1 पे 35 है, 1 पे हमारा 35 है, 2 पे 34 है, तो ये 30 यहां से 35 और यहां से जस्ट कुछ इस टाइप से आ जाती है ऐसे करके, ठीक है, ये 1 और ये यहां से ये 34 और ये आपके पास कितना आ जाता 35, करेक्ट, सॉरी यहां पे 35 आता और यहां पे 34 आता, आप अपना चेक कर लीजिएगा, तो ऐसे कुछ ग्राफ चला जाता पॉलिनोमियल टाइप का। चलो मैकेनिकल ऑपरेशन 6 PM पे है, आप सब लोगों को ज्वाइन करना है, और 8 बजे पे क्या है, अच्छा पीडीई आपका 8 बजे पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पे डबल डैश क्यों नहीं निकाला, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, उसने केवल जस्ट पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा इन 0.2, और जब भी आपको यहां से क्लोज इंटरवल में दे दे 0.2 पे तो आपको बस मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, करेक्ट। अब आपको मैक्सिमा मिनिमा के लिए डबल डैश की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल जस्ट वो पॉइंट्स निकालने होंगे कि 0.2 के बीच में 0.1.2 सर ये 3 पॉइंट मिलेंगे और इन 3 पॉइंट्स में मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करना था, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें डबल डैश की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको करना है तो आप डबल डैश कर सकते हैं कि हाँ सर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, वो हम यहां से देख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। चलो अभी बच्चे हम यहां से जस्ट बात कर रहे थे, यहां से हम जस्ट थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, हमसे जस्ट बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, fx is equal to 3x to the power 4 minus 8x cube minus 18x square, मुझे याद नहीं है ये क्वेश्चन, और minus 18x square और इसमें दिया गया है plus 1, ठीक है। आपको यहां से जस्ट बताना है, आपको यहां से जस्ट बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आपको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज बतानी है, एक सिंपल सा फंक्शन है, आप जरा मुझे जल्दी से बताएं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब सब जगह पे इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी और लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी, कोई बच्चा बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हो आप, बस अगर थोड़ा सा सही से कर लोगे तो आप बता लोगे। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू मैं लिख देता हूं ना, नहीं तो बाद में कहोगे, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, बताए जल्दी से, मैं आपके साथ करूं क्या, आपके साथ कर सकता हूं मैं, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं यहां से आपके साथ, फोर नहीं, फोर क्यों, मैं यहां से बोल रहा हूं कि सर ये 12x³ आ जाएगा, माइनस 24x² आ जाएगा, माइनस 36x आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया, ये हमारे पास यहां से 12x² ऐसे कर लेते हैं, 12x ले लेते हैं कॉमन, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे x² माइनस 2x माइनस 3, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, अगर यहां से देखें तो ये 12x और इन ब्रैकेट बच्चे हमें, मुझे आप बताएंगे मैं भूल जाता हूं, ठीक है, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहां से आना चाहिए 3x प्लस एक्स माइनस 3, करेक्ट, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और अगर आप यहां से देखेंगे तो 12x इंटू एक्स माइनस 3 और यहां से कितना आ जाएगा x प्लस 1, करेक्ट है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या ये सही है, क्या ये सही है, 0 माइनस 1 3, करेक्ट सर,
तो x इज इक्वल टू हमें यहां से तीन पॉइंट मिलेंगे, 0, -1 एंड 3। हमने 0, -1, 3 क्यों लिखा? हम -1, 0, 3 लिखते ऐसा लिखना चाहिए था ना, -1, 0 एंड 3, बट आदत है सर। तो हम f0 निकालेंगे सबसे पहले, हम सबसे पहले f0 निकालेंगे। f0 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर मैं f ऑफ -1 निकालूं तो वो कितना आएगा? ये आपका काम है। f ऑफ 3 निकालूं तो वो कितना आएगा? ये भी आप ही का काम है। बताएं जल्दी से, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, क्या ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू मतलब हम अगर लिखें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी 1 आ गई ना, लीस्ट वैल्यू बताओ जरा। वन ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, 1 करेक्ट ना, लीस्ट वैल्यू बताओ जरा। लोगों के पास कितना टाइम है? 1 पे -134, 1 पे -134, 1 पे 6 आना चाहिए, -6, ओके -6, इस पे आएगा -134, 3 पे आपकी वैल्यू आएगी -134। तो मैं अगर इस ग्राफ को खींचना चाहूं, मैं अगर इस यहां से ग्राफ को खींचना चाहूं कि सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, तो मैं खींच सकता हूं, ऑब्वियसली खींच सकता हूं। मैंने बोला कि यहां से जरा बना लो, ये एक पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल मैं यहां से खींचना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि देखो 1 पे, यहां से उसने बोला 0 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1, ठीक है, 0 पे वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए? 1। -1 पे कितनी आनी चाहिए? -6। यहां से जस्ट ले लो जरा -6 कुछ इस टाइप से, तो ये वैल्यू ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा कुछ, क्या सही है ये? यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। मैं आपको दोनों चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये फंक्शन आपका ऐसे चला जाएगा और यहां से फिर कहीं बेंड हुआ जाके और ये चलता जाएगा। अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि सर अगर मुझसे लीस्ट वैल्यू की बात करता, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात करो, -143 आ रहा है क्या? -143 आ रहा, -134 आ रहा, अच्छा ये वही सीएस वाले साहब हैं। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर इसका ये जो है ना, ये ग्लोबल मैक्सिमा है या लोकल मैक्सिमा है? सर क्या ही ग्लोबल क्या ही लोकल? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं, ये तो एक ही है ना यार, ये एक ही है। तो आप यहां से बोलेंगे सर ये मुझे ना ग्लोबल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं नो ग्लोबल मैक्सिमा, ओनली जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ओनली जो वैल्यू मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? लोकल मैक्सिमा मिलेगा, करेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम मिनिमा की बात करें तो यस मिनिमा 2 है, ये एक लोकल मिनिमा, एक ये लोकल मिनिमा। तो आप यहां से जस्ट बोलेंगे कि सर ये माइनस का जो 134 है ना, ये है आपके पास ग्लोबल मिनिमा, ये आपके पास है ग्लोबल मिनिमा, इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपको यहां से कंफ्यूज करेगा, ग्लोबल मिनिमा -6 है क्या? रोहित तिवारी कह रहे हैं कि ग्लोबल मिनिमा जो है वो -6 है, लोकल मिनिमा -6 है बच्चे, है ना, ये आपका लोकल मिनिमा, दिस इज योर लोकल मिनिमा, ठीक है। ग्लोबल का मतलब सब में, उनमें सब में मिनिमम। तो बच्चे हमने यहां से बिल्कुल क्लियरली समझा, पहले तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर दे देता है द फंक्शन हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू दिस, फंक्शन डज नॉट हैव एनी ग्लोबल मैक्सिमा, यस द आंसर विल बी फंक्शन डज नॉट हैव एनी ग्लोबल मैक्सिमा, फंक्शन हैज ओनली लोकल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा। समझ पा रहे मेरी बात या नहीं? मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूज कर दे, फिर आप कंफ्यूज रहे कि नहीं सर क्या बात कर दी है, कैसे बात कर दी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो मुझे गलती से लिख गया था, ओके चलो, गलती तो इंसान से ही होती ना सर। क्लियर बच्चे? तो हमें यहां से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फंक्शन हैज नो ग्लोबल मैक्सिमा, फंक्शन हैज ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा, बट इट हैज नो ग्लोबल मैक्सिमा, दैट्स इट, फिनिश क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप यहां से चेक करिएगा और मुझे फिर से बताइएगा।
चेक करिएगा और मुझे फिर से बताइएगा। हाँ, एक बार ग्लोबल मैक्सिमा और फिर से बता दें। चलो सुनो मेरी बात, हम यहां से बेटा जब भी बात करते हैं एक्चुअल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, देखो एक क्वेश्चन है, फिर श्योर शॉट आता है तो वो क्वेश्चन आपका जस्ट ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन मैंने जनरली जो देखा है, जब वन पॉइंट मैक्सिमा फिर नो ग्लोबल। हाँ ऑब्वियसली ग्लोबल वाला पॉइंट मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूं, जतिन तिवारी हर्षिता सब ने बोल दिया है कि ये ग्राफ फिर से बता दे, मैं फिर से बता दे। तो मेरी बात सुनो, जब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई फंक्शन है fx is equal to, let's suppose something है, तो इसमें आपसे ये पूछ देगा कि 2.3 में मैक्सिमम मिनिमम बता दो, 2.3 में मैक्सिमम मिनिमम बता दो। 2.3 का मतलब आपका यहां से आप जस्ट बोलेंगे सर 0, 1, 2 यहां से और 3 है ना, तो 2 से 3 के बीच में मतलब इससे इसके बीच में निकालना है। अब आप फंक्शन को सॉल्व करेंगे और वो पॉइंट्स निकालेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, आप बता देंगे कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमम। ऐसा भी हो सकता है कि केवल मैक्सिमा पूछ रहा हो तो आप केवल मैक्सिमा बता देंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है कि डायरेक्टली फंक्शन बता दे और आपसे बोले कि फंक्शन कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा होगा, तो आपको पॉइंट्स खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो खुद निकालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्यों नहीं होगा, वो मैं बता देता हूं। मैंने बोला कि सर देखो ऐसा है, अब मैं एक ही एक बता पाऊंगा, कंफ्यूज मत होइए। यहां से हमारा कोई भी फंक्शन है और इस फंक्शन में हमने दया दिखाई, हमारा कोई सा भी फंक्शन है, यह फंक्शन यहां से उठा, ऐसे आ गया, समझते जाना। अब मैंने यहां से जस्ट बोला बच्चे देखो मेरे पास क्या क्या कहानी है, मेरे पास एक ये मिनिमा है, एक ये मिनिमा है। ठीक है, ये हम ऐसी बस्ती में आ गए जहां पे मतलब जो थोड़े से कम इनकम वाले लोग रहते हैं, हम वैसी बस्ती में आ गए। लेकिन इस बस्ती में सबसे कम कमाने वाला कौन है, ये वाला बंदा जो सबसे कम कमाने वाला है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, ये आ गया आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा, कि भैया इससे ज्यादा गरीब इंसान कोई नहीं है। ग्लोबल मिनिमा कि सर इससे ज्यादा गरीब इंसान कोई नहीं है। हाँ अगर अपने बारे में बात करें तो ये भी लोकल है, ये भी लोकल है। ये आपके पास फिर डिफाइन कर दो कि दिस इज लोकल मिनिमा। अब मेरे यहां से जस्ट बात करना शुरू की, मैं बोल रहा हूं कि हम चले गए अमीरों की बस्ती में जहां पे टाटा साहब के घर थे, अंबानी साहब के घर थे, है ना, और भी कई अमीरों के नाम बताओ ना, कई लोगों के घर थे। अब मैंने सारे गरीब जो अमीर लोग थे उन सारे लोगों को देखा, जब सारे अमीरों को देखा तो मैं यहां पर आया तो मैंने देखा इनकी इनकम सबसे ज्यादा है, तो ये मुझे मिले ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, ये मुझे मिले ग्लोबल मैक्सिमम, ये मुझे मिले यहां से लोकल मैक्सिमम, ये मुझे मिले लोकल मैक्सिमम। समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? ठीक है, लोकल मैक्सिमम, तो लोकल और ग्लोबल। अब मान लो हम यहां से ऐसे गए, लेट सपोज हम अपने गांव में इकलौते हैं जिनकी नौकरी लगी है, अब मैं अपने गांव में इकलौता हूं जिसकी नौकरी लगी है, तो ऑब्वियसली कह का लोकल कह का ग्लोबल। जो कुछ भी लोग हैं, हम इकलौते थे सर ऐसे जिसकी नौकरी लगी थी, तो मैं ही शेयर हूं, मुझे किसी का कंपैरिजन चाहिए ही नहीं, मैं तो मैक्सिमम हूं, ऑलरेडी, तो मैं क्यों फिर अपने यार एलन मस्क को देख लो, एलन मस्क कल ही तो आया है स्टेटस। ठीक है, हाँ अब हमने यहां से जस्ट बोला बेटा कि हमारे पास जब मैं इकलौता हूं तो मैं कहेगा ग्लोबल तब जब मैं कंपेरिजन कर रहा हूं, और जब मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं तो किसका लोकल किसका ग्लोबल। समझ पा रहे हो? अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो ग्लोबल तब जब आप इनके बीच में कंपेयर करके बात करते हो तब ग्लोबल लोकल की बात आती है, अदरवाइज आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर इसका मैक्सिमा है, खत्म बात, कह का ग्लोबल कह का लोकल। समझ पा रहे मेरी बात? मेरी बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आई? तो ये हमारे पास जब भी आपको सिंगल पॉइंट मिल जाए तब आप बोलोगे ना, नो ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि ग्लोबल तब होता है जब हम कंपेयर करते। ऐसा थोड़ा ना कि पहले ग्लोबल आया था, पहले मैक्सिमा आया था, मैक्सिमा के बाद मैंने उसमें डिसाइड किया था कि अब ग्लोबल होगा या लोकल है। समझ पा रहे हो? यहां से ये पता है यहां पे मुझे मिल जाएगा ये सर ग्लोबल मैक्सिमा है, ग्लोबल मिनिमा है, यस इसमें कोई डाउट नहीं है।
आपके पास ऐसा रिलेशन मिल जाए, आपके पास ऐसा रिलेशन मिल जाए, यहां से देख लीजिए, आप यहां से बोलोगे हां सर, जस्ट इसको हटा दो, इसको हटाओ जरा, नहीं तो फिर और कंफ्यूज हो गए, ठीक है। आपके पास यहां से ऐसे मिल जाए, आप देख लीजिए, आप बोलोगे नो लोकल मैक्सिमम, नो लोकल मैक्सिमम, लोकल बोल सकते हो, किसी एक पॉइंट पे लोकल बोला जा सकता है, देखो ना, एक पॉइंट पे लोकल बोला जा सकता है, लोकल तो सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है ना, लोकल तो सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है, तो लोकल बोल सकते हो आप, यहां पे लोकल बोल सकते हो, दैट्स इट, फिनिश, लोकल में कोई मुझे डाउट नहीं, मुझे डाउट केवल ग्लोबल पे आता है, क्योंकि ग्लोबल तब बोलेंगे जब हम कहीं से कंपेयर कर रहे होंगे, लोकल पे कंपैरिजन की बात ही नहीं है, लोकल पे कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं। पॉइंट क्लियर है बेटे सबको? पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब यहां से पीछे वाले ग्राफ पे आ जाते हैं जरा वापस। जब हमारा पीछे वाला ग्राफ था, किसी बच्चे को डाउट था कि सर ग्राफ बना ही कैसे पहले, तो यही बता देते, तो ग्राफ बना कैसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में। देखो यहां से यह चीज तो पता है कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यह चीज तो पता है ना कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो वैल्यूज उसने बता रखी है। देखो यहां से ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि जब f ऑफ जीरो रख रहे हो तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू उसने बता रखी है, कितनी है, जीरो पे वन है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, वन है। फिर इसके बाद यहां से यस, ग्लोबल का मतलब जहां पे कंपैरिजन हो रहा, जहां पे कई दिए हूं उनमें कंपेयर करना, तब ग्लोबल करेंगे, ठीक है। आपको माइनस वन पे उसने बोला माइनस सिक्स है, माइनस वन पे उसने बता दिया माइनस सिक्स है। एफ ऑफ थ्री पे जब हम चले गए तो यहां से ये आपके पास, अरे माइनस वन इधर कर दो, है ना, माइनस वन इधर कर दो, इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, माइनस, अच्छा ये भी इधर ही आ गया, ठीक है। यहां से देखो हमें इतना, हमने यहां से माइनस वन पे कितना कर दिया, माइनस सिक्स कर दिया, और थ्री पे जब हम गए वन टू थ्री, तो हमारे पास बहुत यहां से ऐसे आ गया, तो मैंने बोला कि अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसको बना डालो, ये हमारे पास यहां से, यहां से कैसे निकला मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थ्री पे जाके ये कंफर्म है कि ऐसे चला जाएगा, थ्री पे जाके ऐसे चला जाएगा, बस खत्म। तो हमने यहां से एक बैंड देखा, एक बैंड यहां पे देखा, तो मिनिमा पे दिख रहा था, लेकिन यहां नहीं दिखा, यहां पे एक ही दिख रहा था, तो लोकल मैक्सिमा मिला बट ग्लोबल मैक्सिमा नहीं मिला, बस खत्म, लोकल मैक्सिमा मिला ग्लोबल मैक्सिमा नहीं मिला। पॉइंट इज ओके, पॉइंट इज ओके टू ऑल ऑफ यू, पॉइंट इज ओके टू ऑल ऑफ यू, करोगे क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखना, एक क्वेश्चन और लिखना, फिर बताना जरा मुझे कि हाँ आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से, एफ एक्स इज इक्वल टू 12x to the power 5 माइनस 45x to the power 4 माइनस, यहां से जस्ट दिया गया 40x³ + 40, जरा बताएं इस क्वेश्चन को, प्लस 40x³ + 40, करिए जल्दी से। उसने बोला 12x⁵ माइनस 45x⁴ प्लस 40x³ + 40, इसमें क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, आपको बताना है। ये मेरे ख्याल से सारे कर देंगे, सारे लोग कर लेंगे इसको,
बताएं बेटा, कुछ नहीं है, आसान है। आप क्या करोगे, यहां से एफ डैश एक्स निकालोगे, आप यहां से एफ डैश एक्स निकालोगे 60x^-180x³ 120x²। आप यहां से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, 60x² ले लो, यहां से कितना बचेगा, x²-3x+2। तो 60x² इन ब्रैकेट, ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x-2x, तो ये हमारे पास x-3 और x+2, करेक्ट है क्या, x-3x और x+2x, सही है क्या? नहीं सर, ऐसे कैसे हो जाएगा, यहां से 2 और 1 में ब्रेक करोगे ना, यस सर, ऐसा कैसे कर दिया आपने, x-2 x+1, ये सही है क्या, जरा यहां से बताना, 1 पे मैक्स कितने पॉइंट मिल रहे हैं बेटा, 12x² कॉमन ले लिया मैंने, 12x² कॉमन क्यों लिया, 60 ले लिया ना डायरेक्टली, 12 क्यों बचे, 60 60 60 तीनों से कॉमन आ रहा है, x²-2x-x- यहां से जो था, तो x-2 और यहां से बेटा आपके पास कितना बना, x+1, इज दैट करेक्ट, माइनस ही साथ में आएगा, 1 और 2 होगा, अच्छा तो माइनस आएगा, तो हमारे पास x=3 पॉइंट मिल रहे हैं, 0 1 एंड 2, करेक्ट। तो जरा f" x निकालो जरा कितना आएगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा, 240x³-540x²+240x, करेक्ट है क्या। अब जरा f" x में रखो, जरा f" 0 निकालो, बताओ कितना आ रहा है, f" यहां से 1 बताओ कितना आ रहा है, और f" 2 बता दो कितना आ रहा है, ठीक है, 0 1 2 आ रहा है, 0 1 2 आ रहा है, आप यहां से f" 1 बता दो और f" सर यहां से 2 और बता दो, तीनों पॉइंट बता दो जरा मुझे कितने आ रहे हैं, 1 2 0 मैंने लिख दिया रूट्स, 1 2 0, ओके, मुझे जल्दी से बताओ f" 0 कितना आ रहा है, यहां से सारा 0 रखोगे 0 आ जा रहा है क्या, ये तो 0 आ जा रहा है, अगर ये 0 आ जा रहा है तो मैं यहां से क्या बोलूंगा सर, फर्दर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या इसको, अगर 0 आएगा तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, f1=47 ऐसा बता रहे हैं, f1=+ का 47 आ रहा है, माइनस का 47 आ रहा है, आकाश दोनों पे प्लस आ रहा है, क्या बात है, f1=47 मैक्सिमा और f2=20 मिनिमम, बेटा माइनस 47 आ रहा है क्या, ये माइनस 47 आ रहा है क्या, तो मैक्सिमा और यहां से प्लस का 20 आ रहा है क्या, 40 47 64, रोहन ने अलग आंसर दिया, सब लोग अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं यार, 40 तो यहां से जस्ट अगर पुट करोगे, एफ की जस्ट बात कर रहे हैं, मैं f" पे पुट करवा रहा हूं, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं f" पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, f" पूछ रहा हूं, f" 2 कितना होगा, यहां से ये कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है क्या f2 पे, अरे यार सबने अलग अलग आंसर कर दिए, सबने अलग अलग आंसर कर दिए, मैंने जो लिखा है वो -60 है, मैंने जो लिखा है वो -60 है, आप ही ने बताया मैंने वही लिखा है, मैंने कुछ स्पेशल नहीं लिखा, ये मैंने जो लिखा, मैंने दोनों ही लिखे हैं, मैंने दोनों ही लिखे हैं, ये -60 है, दिस इज -60, ठीक है, इसकी जगह पे कितना आएगा, हर्षिता एक बार चेक करो बच्चे कितना आ रहा है, हर्षिता एक बार चेक करो प्लीज, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, यहां से f" 2 निकाल लोगे, बस f0 पे डाउट है,
हम फंक्शन वैल्यू क्यों बता रहे हैं मुझे ये बताओ। मैं एफ डैस एक्स चेक करूंगा, पॉइंट निकालूंगा, ये तीन मुझे यहां से पॉइंट मिल जाएंगे, इन तीन पॉइंट्स को निकालने के बाद मैं एफ डबल डैस एक्स निकालूंगा, उसमें तीन पॉइंट्स की वैल्यू रखूंगा, पॉजिटिव आएगी आपका मैक्सिमा, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी मिनिमा, नेगेटिव आएगी मैक्सिमा, और अगर जीरो आ गई तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन खत्म। ठीक है, एफ डबल डैस डेड एस हो गया, डबल डैस टू जो है वो 240 आ रहा है, एफ डबल डैस टू जो है वो 240 आ रहा है। चलो मैं देख लेता हूं, बाकी एक लोग ने मुझे सही आंसर दिया था, आप लोग बता दो। अब मैं यहां से जस्ट बेटा बात करो, ये पॉजिटिव आ रहा है, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा है, ये लीजिए मैं लिख दे रहा हूं, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमा है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, केवल आपको कैलकुलेट करना है। 240 है, चलो ये 240 है बच्चे। नेक्स्ट अगर मैं यहां से जस्ट देखूं तो एफ डबल डैस की जगह अब मैं एफ ट्रिपल डैस निकालूंगा, एफ ट्रिपल डैस एक्स मेरे पास कितना आएगा बेटा, यहां से 6 और ये 720 आ जाएगा, 720 एक्स क्यूब माइनस 1080 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स आ जाएगा 720 एक्स स्क्वायर, और दिस इज एक्स एक्स, और प्लस का आ जाएगा 240। ठीक है, तो अब आपको करना क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो एफ ट्रिपल डैस एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आंसर आ गया 240, प्लस का आ गया, प्लस का आ गया बच्चे, प्लस का आ गया। अगर ये प्लस पे आ गया है तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है। ये जैसे ही हमारे पास 240 आया तो सर मुझे ये चीज अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि सर मेरा जो फंक्शन है यहां पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, यहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, दैट्स इट, खत्म। आंसर एक पर मैक्सिमा, दो पर मिनिमा, यस बस खत्म, इतना याद रखो, एक पे मैक्सिमा, दो पे मिनिमा, और जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट इंक्रीजिंग फंक्शन है, खत्म, इतना ही याद रखना है ना। क्या आंसर आ रहा है, कहां आ रहा है वो तुम जानो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ नंबर ऑफ लाइन से करते हैं, वो मेथड आपको याद है पहले जेई के वक्त कौन सा नंबर ऑफ लाइन से करते हैं, मैं पहले मुझे बताओगे तो मैं जरूर बता दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा या मैक्सिमा और मिनिमा, उसने यहां से जस्ट पूछा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, द फंक्शन हैज मैक्सिमा एंड मिनिमा एट, ठीक है, और उसने पॉइंट्स बता दिए कि किस किस पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। ठीक है, चलो एक एक और क्वेश्चन, इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं। लास्ट यहां से ये क्वेश्चन जरा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस, मेरे ख्याल से मैंने ये अभी अभी क्वेश्चन करवाया भी था, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स माइनस 18x वाला मैंने क्वेश्चन अभी अभी आपको करवाया। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, उसने यहां से बोला कि एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू उसने कुछ इस टाइप से बता रखी है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 62 ऑफ एक्स क्यूब, और प्लस बेटा यहां से एक्स प्लस, यहां से जस्ट बता रखा है एक्स स्क्वायर है, प्लस आपके पास यहां से एक्स है, इसका आंसर है मेरे पास क्वेश्चन का, ठीक है, एक्स प्लस आपके पास 9 है, हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू, उसने यहां से जस्ट बेटा बता रखा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इन 0.2। उसने आपसे पूछा ए की वैल्यू बता दीजिए, उसने आपसे पूछा ए की वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, ट्रिपल डैश क्यों निकाल रहे हैं, अभी अभी ट्रिपल डैश वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मीन सर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया, रूट्स प्लॉट करते टाइम नंबर लाइन पे फिर प्लस माइनस करते थे, बताया तो था शुरू में, यही तो फंडा बताया था पहले, देखो सुनो मेरी बात बच्चे, हम यहां से सबसे पहला फंडा यही बताया था, शशांक अगर आप देखोगे जाके तो सबसे पहला फंडा यही बताया था, इस साइड मैक्सिमम मिनिमम, मैंने जस्ट प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट ही बताया था। अब मेरी बात सुनो, एक बच्चे को अभी डाउट आ गया है, ये अगर डाउट आ गया तो ये वाले पॉइंट्स मैंने एक टेबल बनवा दी है, ये टेबल याद रखना। सुनो लोकेश चौहान बेटा, जब जब हमारा कोई भी फंक्शन है ध्यान रखना है, हमने यहां से एफ डैश एक्स निकाला,
एफ डैश एक्स के अलावा जब आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे और अगर वो जीरो आ गया तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे, एफ ट्रिपल डैश आ गया तो फिर निकालोगे, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन तब तक करोगे जब तक वैल्यू जीरो नहीं आती जा रही। अब जब वैल्यू जीरो आ गई, यहां से लेट सपोज हमने बोली कि फंक्शन की वैल्यू अब हमारी नॉन जीरो आ गई, तो नॉन जीरो किस डेरिवेटिव पे आई, वो डेरिवेटिव हमारा ऑड डेरिवेटिव था या इवन डेरिवेटिव था। तो हमने बोला कि अगर वो इवन डेरिवेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा देगा, जब एफ टू दी पावर एन टाइम्स ऑफ ए अगर लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा। लेकिन अगर ऑड डेरिवेटिव आ रहा है तो आपका यहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। और यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है, यही चीज मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि इसमें देखो अगर मैं यहां से जस्ट देखूं तो ये थर्ड डेरिवेटिव निकाला था, थर्ड डेरिवेटिव कौन सा था, ऑड था, ऑड था तो अब मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, अब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, दैट्स इट, खत्म। चलो तो ए की वैल्यू यहां से जल्दी से बता दो, ए की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, अगर पता है तो मुझे जल्दी से बताओ और नहीं पता है तो भी मुझे जल्दी से बताओ कितनी आ रही है। अविनाश मौर्य ने जल्दी से ये क्वेश्चन बता दिया है कि सर क्वेश्चन जो है वो इतना आ रहा है, 120 वैल्यू आ रही है क्या, 120 बता रहे हैं क्या, यस 120 ए की वैल्यू। चलो 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 तो ए की वैल्यू 120 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें अच्छे से पता है, एफ डैस एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो 3x क्यूब और माइनस कितना आ जाएगा 124 टाइम्स ऑफ x, और ये कितना आ जाएगा प्लस a, इट शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, आपका यहां से जस्ट बोला एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू जीरो आपकी यहां से जीरो आनी चाहिए, तो 3 इंटू 1 माइनस 124 इंटू 1 प्लस 2 प्लस a, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अरे आंसर तो कुछ और आ रहा है, आंसर तो कुछ और, अच्छा 4 है ये, सॉरी ये 4x क्यूब आएगा, तो a इज इक्वल टू 120 आ रहा है, a इज इक्वल टू 120, खत्म। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था सर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्या ही क्या ही पॉइंट की बात करें। ठीक है, अच्छा चलो यहां से इतने ही क्वेश्चन मुझे आपको करवाने थे, इतने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया एक और कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक और कर लो, एक और कर लो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, जरा इसको करिए यहां से, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक मिनट रुकना, प्लस 12x करो प्लस 18 करो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 करो, जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओ, मैं पीछे से सही से लिख देता हूं इसको, जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी से, जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए, यस जल्दी से मुझे यहां से बताएं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा बताएं फास्ट।
इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जरा एफ डैश एक्स निकालो, 3x² - 12x + 12 सही है? यस, काफी लोगों ने बता दिया है, लेकिन फिर भी यहां से मैंने बोला 3 कॉमन ले लो, x² - 4x + 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x = 2 पे चेक करना है। जरा f डबल डैश x निकालो, इसीलिए आपको दिया था कि ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, बाकी आपको कंफ्यूज करने वाला है कौन। 6x - 12, आप x = 2 डालोगे, 0 मिलेगा, नहीं। f ट्रिपल डैश x निकालो, आप ट्रिपल डैश x निकालो, 6 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया और इंक्रीजिंग आ गया, खत्म क्वेश्चन। एक लाइन का ही क्वेश्चन था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इंक्रीज आ गया, बस खत्म, लोकेश चौहान। ठीक है, देख पा रहे क्वेश्चन को? जस तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, किसमें? सिंगल वेरिएबल वाले में। नाउ लेट अस कम टू द डबल वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल दिए तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अभी हम जस्ट बात कर लेते हैं कि हमारा एक से ज्यादा वेरिएबल दिया है, दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया, तो सर दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। सो हमने यहां से जस्ट बेटा बात करनी है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल सिस्टम। ठीक है, मैं यहां से जो बात करने जा रहा हूं, दैट इज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल सिस्टम। यहां से जस्ट हम बात करने जा रहे हैं फॉर टू वेरिएबल सिस्टम, कुछ है नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, है ना? यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है क्या बच्चे, जितने भी लोग हैं? अभी पॉइंट क्लियर है ना कि कब ग्लोबल मैक्सिमा, कब ग्लोबल मिनिमा, कब वैल्यू निकालनी, कब क्या करना, कब हमें क्या, जो भी है वो सारे मूव आपको समझ में आने चाहिए, है ना? सारे मूव आने चाहिए आपको समझ में, क्योंकि क्वेश्चन एक श्योर शॉट पूछा जाता है, वो श्योर शॉट हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां से जस्ट बेटा बात करने जा रहा हूं कि सर अगर मुझसे दो वेरिएबल दिए गए, है ना, तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x कॉमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ, यहां से जस्ट बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ x एंड y, ठीक है, ऑफ x कॉमा y, यहां से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x कॉमा y, और उसने ये भी बोला है कि इस कॉन्टिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल का फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, और कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले जब यहां से मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट से गेट की प्रिपरेशन करेंगे फाइनल तक, है क्या हो गया लोकेश चौहान को एकदम से, मतलब कुछ कोई ऐसा पॉइंट आया है जिसमें मैं देख नहीं पाया हूं और किसी ने हटा दिया है, इधर देखो जरा। तो मैं बच्चे यहां से जस्ट बात कर रहा हूं, एक 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 लाइन का पार्ट है बस, बाकी उसमें कुछ नहीं है, उसके बाद मैं ये इस क्लास को लीव करूंगा, बिकॉज काफी लोगों के एग्जाम है आज। सुनो मेरी बात, अब हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे थे, मैंने बोला कि ठीक है इतनी बात तो मुझे पता है, अब इसमें क्या करना चाह रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं। अब जरा इसको यहां से देखते हैं, तो सबसे पहले हम बेटा इसमें क्या करते हैं, हम यहां से इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम यहां से डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं और इसको ए कॉमा बी पे वैल्यूज निकालते हैं, जो भी हमारे पास डेल एफ ओवर डेल वी है उसमें हम वैल्यूज डालते हैं। ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। कैसे वैल्यूज डालते हैं, इसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने डेल एफ ओवर डेल बी निकाला, x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, इट इज इक्वल टू, हम जीरो पुट कर लेते हैं जिससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हमने यहां से जस्ट बोला कि अब क्या करेंगे, फिर हम यहां से डेल एफ ओवर डेल वाई निकालते हैं, उसमें भी x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू, हम यहां से बी रख देते हैं और फिर इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो इससे हमें
वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जिन पॉइंट्स पे हमें बात करने की सर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो मैंने क्या किया, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, दूसरी बार वाई के रेस्पेक्ट में। एक्स की वैल्यू डालनी है ए, वाई की वैल्यू डालनी वी, एक्स की वैल्यू डालनी है ए, वाई की वैल्यू डालनी है वी, दैट्स इट, फिनिश। अब मैंने बोला कि सर अब क्या करना है, अब सबसे पहले इसमें तीन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तीन पॉइंट्स सर कौन कौन से निकालने पड़ेंगे, एक आपको निकालना पड़ेगा आर, और आर पॉइंट कौन सा होगा, डेल टू एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू। ठीक है, एक पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा आर, दूसरा पॉइंट बेटा इसी में निकालना पड़ेगा आपको एस, और एस इज नथिंग डेल टू एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स और इन टू आ जाएगा डेल वाई, और एक निकालना पड़ेगा टी, दैट इज डेल टू एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई टू। ये तीन पॉइंट्स अगर आपने निकाल लिए तो अब निकालने के बाद आपकी कहानी शुरू होती है कि हाँ सर अब मैं बाकी का काम कैसे करूंगा, मुझे मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। मैंने दो वेरिएबल वाले फंक्शन थे, मैंने जस्ट बोला कि देखो सबसे पहला पार्ट जो है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाता है RT greater than S square, ठीक है? अगर ऐसा भी लिखा मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। इसमें अगर RT minus S square greater than zero आ गया, तब आप आगे सोचोगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। आपने बोला कोई बात नहीं सर, अरे सबके लिए है, एक लाइन का है, बस इसी में खत्म कर दे रहा हूं, परेशान मत हो, इसी में खत्म कर दे रहा हूं, है ना। बस आपको बाई चांस टू वेरिएबल का आ जाता है तो आप ऐसा ना हो कि उसको कर ना पाए, है ना, इसलिए बस लिख दे रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी ऐसा कुछ परेशान मत हो यार, ऐसा थोड़ा ना कि तुमको जहर पिला दे रहे, है ना, मेरी इतनी हिम्मत कि तुमको जहर पिला दूं, है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सर एकदम से ऐसे क्या मतलब कड़वी कड़वी चीजें बता दे रहे हो। हम बेटा यहां से जस्ट बात कर रहे थे, अब यहां से हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर जब देखा तो हमें आर देखना पड़ेगा। हमने बोला कि अगर आर लेस देन जीरो है तो सर नो डाउट हमारे पास क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, अगर आर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा है, और आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा है। अब आर क्या है, आर तो सर वही है ना, देखो यहां से यही तो था ना डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव को ही हम सर देख रहे थे, अगर ये लेस देन जीरो तो सर मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन जीरो तो सर मिनिमा। कहानी यहां से क्या बनती है, कहानी यहां से क्या बनती है कि सर इतना सब करने के बाद बाई चांस आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं आया तो क्या मैं वहीं से ऐसे छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना, अब यहां से जस्ट हमें थोड़ा सा आगे बात करनी पड़ेगी। अब जगह नहीं है, बोला तो वादा तो किया था कि यहीं पे करा दूंगा, लेकिन जगह नहीं है तो थोड़ा सा एक पेज बढ़ा लेता हूं। उसने बोला कि बाय चांस नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर टू, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर बाय चांस आपसे बोल देता है लेस देन जीरो है या आर टी आपका लेस देन एस स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको यहां से अब जो पॉइंट्स मिलेंगे, आर टी लेस देन एस स्क्वायर आपने बोला, अब जो पॉइंट्स मिलेंगे तो वो आपके पॉइंट्स जो मिलने वाले हैं, इसका मतलब वो जो मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स मिले थे अब वो मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट नहीं, अब वो पॉइंट्स हमारे पास कौन से बन गए, y is equal to a जो हमें यहां से पॉइंट मिले, दैट इज सैडल पॉइंट्स। कौन कौन से सैडल पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक y यहां से x is equal to a और y is equal to v, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हो गए सर, ये हमारे सैडल पॉइंट्स बन गए। सैडल पॉइंट्स इन द सेंस कि हां सर इन पॉइंट्स पे हम मैक्सिमा नहीं निकाल सकते सर, कंडीशन ही नहीं है ना मैक्सिमा ना मिनिमा की, तो ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन नहीं। हाँ कड़वी होगी तो पानी मिला लेंगे, ये भी बात सही है, तो अभी शाम भी हो गई है, इतनी भी शाम नहीं हो गई कि अभी से महफिल जमा लोगे, देखो मतलब क्या कैसे कैसे बच्चे हैं, है ना, और किसके सामने ऐसी बात कर रहे हैं। चलो इधर देखो नेक्स्ट पॉइंट पे जस्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमने यहां से बोला कि अच्छा एक और पॉइंट है सर, एक और पॉइंट है, बाई चांस अगर ऐसा आ गया सर, क्योंकि हम तो इसमें भी बिलीव करते हैं ना कि RT minus S square is equal to zero आ गया तो क्या करेंगे सर, अगर RT minus S square यहां से zero आ गया मतलब RT is equal to S square फिर से, अरे वही कहानी है, zero का मतलब further investigation, zero का मतलब further investigation, ठीक है, जीरो का मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझे थे लोकेश चौहान, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझे थे कि ना मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है, वैसे ही सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट आपको बता रहा है कि हां ना मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है, ठीक है।
यहां पे आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, सेटल पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं, ना मैक्सिमा दे रहे हैं ना मिनिमा दे रहे हैं, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। इसका आपके में अभी तक तो गेट का क्वेश्चन, गेट में ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है, और मिला नहीं है तो फिर अभी मुझे भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जरूर लेकिन इस पे, है ना, ताकि आपको थोड़े से डाउट जो है वो पूरे हो जाएं कि हाँ सर ऐसा नहीं है, मुझे इसके डाउट क्लियर करने हैं। तो डेफिनेटली आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम टू वेरिएबल वाला है, जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की जस्ट बात करेगा कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो यस आप यहां से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। या इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं भी है तब भी आप यहां से, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तब भी आप यहां से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तो टास्क नहीं होगा आपके लिए, बट इसको जस्ट देख लीजिए। एक क्वेश्चन भी मैं करवाना चाह रहा था बट फिर मैं सोचा कि करवाऊं कि ना करवाऊं, ठीक है, तो करवा दूंगा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद मैं आपको लीव कर देता हूं, ठीक है जतिन। हाँ सर ठीक है, लोकेश को ऐसे की याद आ रही, अच्छा ऐसा, ठीक है। यहां से सुनो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वन एंड दिस इज टू, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट दूंगा, बच्चे वो स्क्रीनशॉट आप याद रखेंगे। अरे वाह तुम भी खत्म हो गए, यहां से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसी की आपको जरूरत है, बाकी क्वेश्चन की किसी को जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पीछे आता हूं। यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अच्छा इस पे और था, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए थे, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखाए थे, एक ये वाला पॉइंट था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मैक्सिमा मिनिमा के लिए कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल नहीं होना चाहिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा मिनिमम मिलेगा जो भी कहानी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन करवा देता हूं और उसके बाद आप जाइए, कल हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल हम लोग यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो जगह मिलनी चाहिए, जगह हमारे पास क्या है, ये रहा, जरा देखिए क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 by x to the power x, जरा बताइए मैक्सिमा मिनिमा, और सैटरडे फिनिश कर रहा हूं, सैटरडे आपका इंटीग्रेशन फिनिश कर दूंगा, तो 5 दिन और लगेंगे, 5 दिन में आपका ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो दीप्तांशु सर लेंगे, और वो दीप्तांशु सर लेंगे आपका, ठीक है, बताएं जल्दी से, आप इस पे पॉइंट्स बताएं, मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा मिलेगा क्या मिलेगा वो आप बताएंगे। आईसी बेंगलोर की तैयारी जल्दी है सर, कितने लेक्चर लगे जल्दी बताओ, मैं आईसी बेंगलोर जाना चाहता हूं। गुड, चलो तो ठीक है, फिर इसको एक काम करो, आप लोग करो, कल इसको डिस्कस करेंगे, कल इसको डिस्कस करेंगे, और कल मैं एक डबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी ढूंढता हूं, कहीं पे मिलता है तो करता हूं, डबल वेरिएबल वाला याद रखना, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया बट फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया, डबल वेरिएबल में फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन भी नहीं आया। तो चलो अभी हम लोग लीव करते हैं और कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, टुमारो कल हम लोग 4 PM पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल 4 PM पे इंटीग्रेशन, तो सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कल इंटीग्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए बिकॉज इसी में आपको सबको दिक्कत होती है, तो कल हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। सो अभी हम लोग लीव करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कल बताएंगे सारे के सारे, आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर बताइए। सो शैल वी लीव नाउ, और जाइए मस्त आराम से आईसी बेंगलोर घूमिए, चाहे आईआईटी दिल्ली भी पास में है, मतलब मेरे पास में है, आप कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, और आईआईटी मुंबई है तो इनको करिए, फिर हम लोग मिलते हैं टुमारो एट 4 PM, ठीक है, चलो ओके बच्चे।
ओके चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वाला आपके लिए साइन लगा देते हैं, थैंक यू वाला आपको इसलिए साइन लगा देते हैं, कल थोड़े फॉर्मूले भी मिल जाएंगे आपको। यस, ई मिला है या वन बाई ई मिला है विमलेंद्र, वो चेक करना है, ठीक है, ई मिला है या वन बाई ई मिला है वो आप लोग चेक कर लेना, और बस दैट्स इट, फिनिश, फिर कल इसको डिस्कस कर लेंगे आके। चलो ओके, थैंक यू, आईडी बॉम्बे पास में, चलो ओके ठीक है बच्चे, बाय बाय।